ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करके किसी ने फेसबुक पर डाला। फेसबुक पर जुबैर नाम का एक जिहादी है और उसकी पूरी टीम है, आरफा खानम, शेरवानी, बहुत सारी महिलाओं के जिहादियों की द प्रिंट, द वायर, ऐसी एक पूरी टीम है। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाया, बहुत बुरी तरह एडिट किया, एडिट करने के बाद जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। अब वहां से इनकी झूठन को उठाया वामपंथियों ने और वामपंथियों के बाद अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहने वाले जो इनकी झूठन खाने के आदि लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया और मेरे खिलाफ माहौल बनाने में रात दिन एक कर दिए। कल से मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बात कहीं भी महिलाओं के बारे में नहीं थी, ये राजनीति में जो गंदगी फैल चुकी है ये उसके बारे में बात थी। आज राजनीति बॉलीवुड से भी ज्यादा गंदी हो गई है। केवल मैं उसके बारे में बात कर रहा था, अपनी बहन अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहा था कि उन्हें राजनीति में जाने के लिए कुछ करने के लिए कितने समझौते करने पड़ते हैं और कितना कष्ट सहना पड़ता है। ये जनाब है गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो सफाई दे रहे हैं कि उनके वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि वह तो अपने पुराने बयान का ही इस सफाई बयान में भी समर्थन कर रहे हैं। इन पुजारी महाशय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कहते दिख रहे हैं। यह वायरल वीडियो आपको सुनाऊं, इससे पहले एक सवाल है, क्या राजनीति में महिलाओं को आगे तभी बढ़ने का मौका मिलता है जैसा यह जनाब कह रहे हैं? और बीजेपी के बारे में तो यह क्या कह रहे हैं आप खुद सुन चुके हैं। अब आप सरस्वती जी का आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो देखिए। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास जाकर। यह वायरल वीडियो 4 जुलाई का बताया जा रहा है और अपने मंदिर परिसर में बैठकर यह जनाब महिलाओं के बारे में कई लोगों के बीच में आपत्तिजनक बातें कर रहा है। यह अपने को बीजेपी से जुड़ा हुआ भी बताता है। मेरा सवाल राजनीति में मौजूद महिलाओं से है जो इस पर चुप बैठी हैं, क्या उन्हें इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाना चाहिए? वैसे इस वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। पब्लिक न्यूज डेस्क।